वनडे वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान जब से हुआ है, दुनिया के क्रिकेट फैंस को अब बस उसके शुरू होने का इंतजार है। क्रिकेट के इस महाकुंभ की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी, वहीं आईपीएल का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। इस बार विश्व कप की मेजबानी भारत कर रहा है, ऐसे में खासकर भारतीय फैंस को इसका बेसब्री से इंतजार है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। बीसीसीआई की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार विश्व कप का मुकाबला देश के 10 अलग अलग शहरों में होगा, जिसमें कुल 48 मुकाबले खेले जाएंगे। ऐसे में जिन शहरों में विश्व कप के मुकाबले होने हैं, जैसे जैसे विश्व कप की तारीख नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे वहां के होटलों की डिमांड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। होटलों के रेट्स में बेतहाशा वृद्धि देखने को मिल रही है। वहीं कई होटल्स मैच की तारीख के एक दिन पहले से ही बुक होने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में क्रिकेट फैंस को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अब ओयो सामने आया है। ओयो के सामने आते ही क्रिकेट फैंस के चेहरे खिल गए हैं। दरअसल ओयो ने वर्ल्ड कप के दौरान बढ़ती डिमांड को देखते हुए मैच की मेजबानी करने वाले स्थलों पर 500 नए होटल जोड़ने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में ओयो प्रवक्ता ने कहा कि ओयो विश्व कप के दौरान बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 3 महीनों में उन सभी 10 शहरों पर जहां मैच होने हैं वहां 500 होटल और जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो कोई भी अपनी पसंदीदा टीम का मैच देखना चाहता है, वो दूर से यात्रा करा रहा है, उसे आरामदायक और किफ़ायती दरों में होटल उपलब्ध हो। ओयो के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हमारी प्लान स्टेडियमों के पास ही होटल तैयार करने की है, ताकि मैच देखने आए क्रिकेट फैंस को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट के आयोजन से पहले बढ़ती मांग के कारण मेजबान शहरों में होटल की कीमतें पहले से ही बढ़ रही हैं और यह आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब वनडे वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के सभी मुकाबलों की मेजबानी भारत कर रहा है। बीसीसीआई ने इसके लिए 10 राज्यों के 10 शहरों को चुना है, जिसमें अहमदाबाद, हैदराबाद, दिल्ली, धर्मशाला, चेन्नई, लखनऊ, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता और पुणे के नाम शामिल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इस टूर्नामेंट में भारत कब, किसके खिलाफ और कहां मुकाबला खेलेगा। मेजबान भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं भारत अपना दूसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ 11 अक्टूबर को दिल्ली में खेलेगा। अफगानिस्तान के बाद भारत इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ 15 अक्टूबर को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को पुणे में भारतीय टीम बांग्लादेश से भिड़ेगी। फिर न्यूजीलैंड के साथ 22 अक्टूबर को धर्मशाला में मुकाबला होगा। फिर भारतीय टीम 29 अक्टूबर को इंग्लैंड से लखनऊ में भिड़ेगी। वहीं श्रीलंका के साथ 2 नवंबर को मुंबई में मुकाबला होगा, जिसके बाद 5 नवंबर को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका की टीम का सामना भारतीय टीम करेगी और 11 नवंबर को बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम अपना मुकाबला खेलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं विशाल, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।